नमस्कार, न्यूज चक्र में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और इस ईद के मुबारक मौके पर आइए प्रण लेते हैं कि झूठ का और नफरत का प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे। दोस्तों, आज कार्यक्रम की शुरुआत दुनिया के सबसे हिंसक इलाके से आने वाला ये वीडियो है गाजा का, और आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से एक टीचर अपने किंडरगार्टन स्कूल में अपने बच्चों का स्वागत कर रही है। देखा आपने, कहने को ये दुनिया का सबसे हिंसक इलाका है, मगर सकारात्मकता का खूबसूरत संदेश दे रहा है। सकारात्मकता का इतना अद्भुत संचार हो रहा है। आज मेरा आप सबसे सवाल, क्या इसी तरह का सकारात्मक संदेश हम अपने देशवासियों को दे सकते हैं? खासकर वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्या वो अपने देशवासियों को झूठ का प्रसार करना बंद करेंगे, नफरत का प्रचार करना बंद करेंगे? आज न्यूज चक्र में हम ऐसे ही कुछ लोगों की बात करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में करना चाहूंगा देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल से, जो कि मानव संसाधन मंत्री हैं, और मैं आपको इनके संबोधन का यह हिस्सा दिखाने जा रहा हूं। यह संबोधन उन्होंने बीजेपी आईटी सेल को नहीं, भक्तों को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि आईआईटी बॉम्बे के छात्रों को किया। यहां पर उन्होंने दो बातें कही दोस्तों। पहली बात उन्होंने यह कही कि चरक ऋषि ने एटॉमिक थ्योरी डिस्कवर की थी, उसकी खोज की थी। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने नासा का हवाला देते हुए कहा कि नासा ने कहा है कि संस्कृत सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है, और अगर भविष्य में कभी कंप्यूटर्स बोलने लगते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ संस्कृत का योगदान होगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी की। अगर आप इस मुद्दे को लेकर शोध करें तो आपको पता चलेगा कि जो एटॉमिक थ्योरी है उसके जनक ये शख्स थे। इनका नाम है ग्रीक फिलोसोफर ल्यूकिपस। जी हां, एक ग्रीक फिलोसोफर ल्यूकिपस ने एटम्स की थ्योरी के जनक के तौर पर उन्हें जाता है, और उन्होंने यह भी कहा था कि हर मैटर जो है वो एटम्स से बना हुआ है। उनकी इसी थ्योरी को उनके एक शिष्य डेमोक्रेटस ने आगे बढ़ाया था। इस बात को लेकर पहले विवाद था कि ल्यूकिपस ऐतिहासिक फिगर हैं या नहीं है, कि हिस्टोरिकल फिगर हैं या नहीं, या वाकई उनका वजूद था या नहीं, मगर बाद में यह विवाद खत्म हो गया। अब बात करते हैं चरक ऋषि की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चरक एक महर्षि हैं और आयुर्वेद विशारद के तौर पर जाने जाते हैं। वो कुषाण राज के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक और रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है, तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। दरअसल ल्यूकिपस थे, उनका जन्म हुआ था 500 साल ईसा पूर्व, और चरक ऋषि की बात करें तो इनका जन्म हुआ था करीब 300 साल ईसा पूर्व, यानी कि दोनों के बीच करीब 150 से 200 साल का फर्क था। आप चरक ऋषि के बारे में जितना भी शोध करेंगे, उन्हें एक आयुर्वेद विशारद के तौर पर जाना जाता है, मेडिसिन मैन। आप देख सकते हैं कि पातंजलि हरिद्वार में उनकी ये बहुत बड़ी मूर्ति भी लगी हुई है। यहां पर भी उन्हें एक आयुर्वेद विशारद के तौर पर जाना जाता है। माना कि एटॉमिक थ्योरी की नींव ल्यूकिपस ने रखी थी, मगर यह कहा जा सकता है कि जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है या जो एटॉमिक थ्योरी है, उसके सही मायने में जनक थे ये शख्स, जिनका नाम है जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन का जन्म हुआ था 1766 में और उनका निधन हुआ था 1844 में। जॉन डाल्टन अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये खास बातें कहते हैं। पहली बात ये क्या कहते हैं कि जितना भी मैटर है ना, वो एटम्स से बना हुआ है। पॉइंट नंबर वन, ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता। मुद्दा नंबर दो,
ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि सभी एटम्स एक खास किस्म के एलिमेंट के वो समान होते हैं. कॉम्पाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स. कॉम्पाउंड्स की संरचना होती है दो या दो से ज्यादा अलग अलग किस्म के एटम्स से. चौथी बात, अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि किसी तरह का कोई बड़ा रासायनिक रिएक्शन होता है, वो इसलिए होता है कि एटम्स में एक किस्म का रीअरेंजमेंट होता है. सवाल यहां पर ये दोस्तों कि हमारे शिक्षा मंत्री ऐसी गलत बयानी क्यों कर रहे हैं. मैं ये तो नहीं कहूंगा कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ एक असंसदीय शब्द है, मगर इस तरह से आईआईटी के छात्रों के सामने वो गलत प्रचार क्यों कर रहे हैं. आखिर उनका हौसला ऐसे क्यों बढ़ रहा है? क्या ये एक सोच के अंतर्गत हो रहा है? अब बात करते हैं उनकी दूसरी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि कल को अगर कंप्यूटर्स बोलने लगे तो वो संस्कृत की वजह से होगी, और यहां पर वो हवाला दे रहे हैं नासा का. दोस्तों मैं चाहूंगा, मैंने कोशिश की, मुझे तो नहीं मिला, मगर मैं चाहूंगा कि आप लोग इंटरनेट पर ही सही और नासा के वेबसाइट पर भी जाइए और पता लगाइए कि क्या ऐसी बात नासा ने आधिकारिक तौर पर कही है. दरअसल पिछले एक या दो साल से मिशन संस्कृत नाम का एक वायरल होक्स इंटरनेट पर चल रहा है, और बताया जा रहा है कि यह कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ यह होक्स है या यह प्रचार है. सवाल यह कि जो लोग इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि चरक ऋषि ने मॉलिक्यूलर थ्योरी का इजाद किया था, कहीं वही लोग तो इसके पीछे नहीं है. हमारे शिक्षा मंत्री के बाद अब बात करते हैं हम अजीत डोभाल की, और अजीत डोभाल से जुड़ा हुआ है एक और प्रचार. दोस्तों आपको ये वीडियो याद होगा, ये शोपियां का वीडियो है. यहां पर आप देख सकते हैं अजीत डोभाल कुछ स्थानीय लोगों के साथ बिरयानी खा रहे हैं, उनके साथ मिलकर बातें कर रहे हैं, और मीडिया ने यह वीडियो चलाया था ये कहते हुए कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं, देखिए किस तरह से एनएसए खुलेआम घूम रहे हैं. हालांकि इस पूरे वीडियो में आपने देखा होगा कहीं पर भी कैमरा पैन नहीं करता, ये नहीं दिखाता कि अजीत डोभाल के साथ उनके तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं. फिर आपको एएनआई का ये वीडियो याद होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि लोग एक सड़क पर आ रहे हैं कैटवॉक करते हुए. ये भी वीडियो का मकसद ये था बताना कि हालात यहां सामान्य हैं. मगर जब आप इस तरह के प्रचार प्रसार में लगे होते हैं ना, तो कभी ना कभी गड़बड़ा जाती है बात. मसलन आप अजीत डोभाल का ये वीडियो देखिए, यहां पर ये कुछ स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं और एक छोटे से बच्चे से पूछते हैं कि तुम खुश हो ना, तो उसके साथ एक बुजुर्ग है, वो क्या जवाब देता है? खुश हो? खुश कहाँ है आप बताइए, खुश कौन है यहाँ? बच्चे तो खुश होते हैं. सुना आपने, उस बुजुर्ग ने कहा कि हम खुश कहां हैं. बाद में इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया था प्रसार भारती द्वारा, मगर एक बार जब तीर कमान से निकल गया तो निकल गया, उसे कौन रोक सकता है. तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बार फिर प्रचार और प्रसार गलत साबित हुआ. दोस्तों हम बात कर रहे हैं झूठ के प्रचार और प्रसार की, अब बारी है नफरत के प्रचार और प्रसार की. जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप ने ट्विटर को अलविदा कर दिया है. क्यों कर दिया है, उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा उनके ये दो ट्वीट्स. अनुराग कश्यप ने अक्सर सत्ता की आलोचना की थी. जी हां, एक ऐसे वक्त में जब पत्रकार सत्ता की आलोचना करना बंद कर दें, व्हेन दे स्टॉप शोइंग ट्रूथ टू द पावर, फिल्म निर्माता निर्देशक ही बच गए हैं सत्ता से तल्ख सवाल करना. तो अनुराग कश्यप ने ये दो ट्वीट्स करके ट्विटर को अलविदा किया. क्या कहा उन्होंने? When your parents start to get calls and your daughter gets online threats, you know that no one wants to talk. There isn't going to be reason or rationale. Thugs will rule and thuggery will be the new way of life. Congrats everyone on this new India and hope you all thrive. वो आगे ये भी लिखते हैं. Wish you all happiness and success. This would be my last tweet as I leave Twitter. When I won't be allowed to speak my mind without fear, then I would rather not speak at all. Goodbye. Yani ki, Anurag Kashyap ki beti ko balatkar ki dhamkiya, unki maa ko phone calls aaye hain aur unhe dhamkaya gaya hai. Unhone kaha ki agar main baat sachchai se khulkar nahi keh sakta,
तो मुझे ट्विटर पर रहने की क्या जरूरत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शानदार जीत मिली थी, उसके बाद अनुराग कश्यप की बेटी को पहले भी बलात्कार की धमकी मिली थी। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं। डियर नरेंद्र मोदी सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर विक्ट्री एंड थैंक यू फॉर द मैसेज ऑफ इंक्लूसिवनेस। सर, प्लीज ऑल्सो टेल अस हाउ डू वी डील विद दीज फॉलोअर्स ऑफ योर्स हु सेलिब्रेट योर विक्ट्री बाय थ्रेटनिंग माई डॉटर विथ मैसेजेस लाइक दिस फॉर मी बीइंग योर डिसेंटर। इसमें वो कह रहे हैं कि बधाई मोदी जी आपको अपनी शानदार जीत की, मगर मुझे एक बात बताइए कि आपकी इस जीत को आपके जो समर्थक हैं वो मेरी बेटी को बलात्कार की धमकियां देकर मना रहे हैं, एक ऐसे शख्स को जिसने आपकी आलोचना की है। एक इतिहास चला आ रहा था, उसी के चलते अनुराग कश्यप ने ट्विटर को अलविदा कर दिया। अब मैं आपको कुछ भक्तों के, कुछ फर्जी देशभक्तों के दोहरे मापदंड दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही अनुराग कश्यप ने यह बात कही, अशोक पंडित जो कि सत्ता का बहुत बड़ा चाटुकार है, मेरे हिसाब से एक फर्जी देशभक्त है, उन्होंने इसे नौटंकी करार दिया है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इस व्यक्ति के बारे में जो दूसरों के दर्द को नौटंकी बताता है। ये इनका एक और ट्वीट है, एंड व्हेन आई रिस्पॉन्ड इन देयर लैंग्वेज दे फोटोशॉप ट्वीट्स हरास माई डॉटर अब्यूज माई फैमिली टू मेक मी रियलाइज हाउ इट फील्स। यानी कि जब आपके परिवार पर बात आई, आपकी बेटी पर बात आई, तब आपको दुख होने लगा, मगर दूसरे का दर्द आपको नौटंकी लगता है। दोस्तों, याद है आज से कुछ महीनों पहले फरवरी की बात, पुलवामा में हुए हमले के बाद मुझे और कुछ अन्य पत्रकारों को किस तरह से जान से मारने की धमकी, हमारे परिवार की महिलाओं को बलात्कार की धमकियां मिली थी, वो वीडियो याद है आपको। पत्रकार इस सरकार से सवाल करते हैं इस इंटेलिजेंस फेलियर के लिए, तो उनके नामों को, उनके टेलीफोन नंबर्स को सार्वजनिक कर दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 48 घंटे से मेरा यह फोन बज रहा है, क्योंकि किसी महाशय ने, आईटी सेल के महाशय ने, संस्कारी आईटी सेल के महाशय ने मेरे टेलीफोन नंबर को सार्वजनिक कर दिया, मेरे बारे में अनाप शनाप गलत बातें लिख दी कि यह देशद्रोही है, यह हमारे सैनिकों की तौहीन करता है, और लगातार मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं। अब आप देखिए जो धमकियां मुझे दी गई हैं उसके स्क्रीनशॉट्स। इन गालियों पर आपने वंदे मातरम की धुन सुनी होगी। आप कहेंगे वंदे मातरम क्यों? क्योंकि देश के नाम पर तुम मेरी मां को गालियां दे रहे थे। जी हां, भारत मां की तस्वीर लगा लगा कर तुमने मेरे परिवार को धमकियां दी, बलात्कार तक की धमकियां दी। कैसे देशभक्त हो तुम? और यह धमकी सिर्फ मुझे नहीं दी गई है दोस्तों, यह धमकी इन तमाम पत्रकारों को दी गई है। राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, बरखा दत्त को तो बाकायदा, बरखा दत्त महिला पत्रकार हैं, बाकायदा उनके मोबाइल नंबर पर गुप्तांगों की तस्वीर उन्हें भेजी गई, और जब उन्होंने इस बात को सार्वजनिक किया तो ट्विटर ने उन्हें धमकी दी कि अगर आपने इन तस्वीरों को नहीं हटाया तो हम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे। रवीश कुमार को भी लगातार गालियां आ रही हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन तमाम एनआरआई से जो लगातार मुझे गाली दे रहे थे, अरे तुम जो न्यू जर्सी में बसे हुए हो, या लंदन में बसे हुए हो, या मलेशिया में हो, या नाइजीरिया में हो, वहां क्या कर रहे हो? आओ नीमच में, आओ मुजफ्फरनगर में, आओ देश की सेवा करो, जमीन पर उतरो, विदेश में बैठकर उनकी इकॉनमी को मत बढ़ाओ। ये दोहरे मापदंड बंद करो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो खामोश रहो। तुमसे मुझे देशभक्ति का पाठ नहीं सीखना है। ऐसा क्यों हो रहा है न्यू इंडिया में? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सत्ता पे बैठे लोग इस तरह की नफरत का प्रचार और प्रसार करते हैं तो जाहिर सी बात है आम लोगों के नसों में तो यही बात भरेगी ना। यह शख्स परवेश साहिब सिंह, कहने को पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं, मगर देखिए किस तरह की शर्मनाक बात इन्होंने कांग्रेस की बुजुर्ग नेता सोनिया गांधी के बारे में लिखी है। उन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें
सोनिया गांधी को जो अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस का, उसके बारे में उन्होंने कहा है मामी रिटर्न्स। आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे मगर मामी रिटर्न्स एक हॉरर फिल्म है, एक डरावनी फिल्म है। और इस तरह से एक सांसद, एक बुजुर्ग महिला के बारे में, एक ऐसी महिला के बारे में जो आजकल बीमार चल रही हैं, उनके बारे में इतना शर्मनाक ट्वीट किया है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस के लिए ढाक के तीन पात, मानसिक दिवालियापन कि एक बार फिर वो गांधी परिवार की तरफ चले गए, ये मुद्दा अलग बात है। अगर परवेश साहिब सिंह ये आलोचना करते ना तो ठीक बात थी, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से लक्ष्मण रेखाओं को पार करके ये शख्स किस तरह से एक बुजुर्ग राजनेता की तौहीन कर रहा है। कोई जवाब है इस संस्कारी बर्ताव को लेकर किसी के पास? बताइए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जोमैटो में एक विवाद हुआ था जिसमें अमित शुक्ला नाम के एक शख्स ने जोमैटो को संदेश दिया था कि जो शख्स उन्हें खाना लेकर आ रहा है वो एक मुसलमान है और मुझे ये खाना नहीं चाहिए। जोमैटो को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब उसके अपने डिलीवरी बॉयज ने हावड़ा से ये बवाल कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हम बीफ और पोर्क डिलीवर नहीं करना चाहते। जी हां, बीफ और पोर्क डिलीवर नहीं करना चाहते। आज मेरे कुछ सवाल हैं दोस्तों। सवाल नंबर एक, अगर एक राज्य में बीफ और पोर्क खाना गैर कानूनी नहीं है तो सवाल यह कि हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले। मुद्दा नंबर दो, अगर एज डिलीवरी बॉयज आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप पर किसी ने जोर तो नहीं डाला है इस तरह का बवाल करना, मीडिया के सामने इस तरह से आना। आप आखिर किसके लिए ये राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, बताइए तो सही। मुद्दा नंबर तीन, क्या अगला शिगुफा होगा कि आप जोमेटो पर या स्विगी पर यह दबाव बनाएं कि लोगों को वो सिर्फ शाकाहारी खाना डिलीवर करेंगे? आप लोगों को में से कई लोगों को यह अतिशोक्ति लग रहा होगा, जरूरत से ज्यादा लग रहा होगा, मगर ऐसा हो सकता है दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि जब आप लोगों पर यह दबाव बनाएं कि मेरा डिलीवरी बॉय फलाने ढिमकाने धर्म का हो, अगर आप जोमेटो और स्विगी पर यह दबाव बनाएं कि हम बीफ या पोर्क डिलीवर नहीं करेंगे तो कल को आप यह भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ शाकाहारी खाना डिलीवर करेंगे, तब क्या होगा दोस्तों? तो आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको यही बताने की कोशिश की कि झूठ और नफरत के प्रसार से देश का सिर्फ नुकसान होता है। और ईद के इस मुबारक मौके पर मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस प्रचार प्रसार से दूर होंगे। और एक बार फिर मैं चाहूंगा आप उस वीडियो को देखें, गाजा का ये वीडियो है और ये कितना खूबसूरत और सकारात्मक संदेश दे रहा है। देखिए एक बार फिर किस तरह से एक टीचर अपने मासूम और छोटे छोटे बच्चों का स्वागत कर रही है। नमस्कार।